नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मुथूट फाइनेंस की तरफ से दोस्तों इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। अक्रॉस इंडिया में दोस्तों ये जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम और डेट में ये जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। पंजाब में हो चुका है, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। हिमाचल में भी जो है होने वाला था, हमीरपुर वगैरह, वो उसकी जानकारी मैंने दे दी थी। काफ़ी सारी और सिटीज़ हैं जिसमें मैं पहले ही जो है आपको जानकारी दे चुका हूँ। इस बार भी दोस्तों दो सिटीज़ हैं, यहाँ पे जयपुर है यानी कि राजस्थान में रिक्रूटमेंट है, और उसके बाद जो है वो दिल्ली में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है जैसा मैं पुराने आपको जो है वो वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि इंटरव्यू जो चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है कि पहली जो वीडियोस थी वहां पे इन्होंने जो है वो बता दिया था कि कहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है, एग्जैक्ट वेन्यू बताया था, टाइमिंग बताई थी, लेकिन इस बार जो है इन्होंने ये सारी चीजें मेंशन नहीं करी हैं अपनी डिटेल में। तो अभी यहाँ पे सिर्फ अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है थोड़े दिनों में ये अपडेट कर दे। इंटरव्यू जो है वो 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जो है वो चलने वाली हैं, और यहाँ पे टाइमिंग बताई नहीं गई है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है बिना किसी फीस के। अप्लाई करने के बाद देख लीजिए उनकी तरफ से आपको इनविटेशन आता है या नहीं आता है, हो सकता है उनकी तरफ से आपको इनविटेशन आ जाए, क्योंकि यही हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी वीडियोज में तो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट मेन्यू उन्होंने मैंशन करा था, तो वो आप हमें जानकारी मिल गई थी, लेकिन अभी जो है सिर्फ अप्लाई की जो ऑप्शन तो है वो आ रही है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, चाहे आपने दिल्ली में जाना है चाहे आपने जयपुर में जाना है। बाकी यहाँ पे जो है उस 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाले, एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर ग्रेजुएट होने चाहिए यानी कि कोरस्पॉन्डेंस या किसी तरह की डिस्टेंस एजुकेशन आपने नहीं ली होनी चाहिए। आप अगर रेगुलर कॉलेज में जाके आपने ग्रेजुएट हैं, आप करी हुई है, आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें जयपुर, सिकार, बूंदी, अलवर, और उसके साथ दोस्तों जो है वो दिल्ली में रिक्रूटमेंट रहने वाली है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट जो है वो है ब्रांच हेड की, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए। हम बात करेंगे जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की, जिसमें मेल लोगों को ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा। 29 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि आपकी एज 18 और 29 के बीच में जो है वो होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, आप आगे रीड कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो। और बाकी दोस्तों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए फीमेल को ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा। एज क्राइटेरिया लगभग सेम है, 29 साल जो है वो रखा गया, पहले ये 30 साल होता था लेकिन अभी 1 साल जो है वो घटा दिया गया है। यहाँ पे उनकी भी जानकारी दी गई है, जॉब रोल अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो ये अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि 0 से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। इवन अगर आपके पास 3 मंथ का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों जो है वो सैलरी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको इन्विटेशन आता है तो जाके ज़रूर इंटरव्यू जो है वो दीजिएगा। बाकी आपको 1.5 लाख से 4 लाख पर एनम तक जो है वो सैलरी मिल जाएगी। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकिंग का ये जो है वो इंडस्ट्री रहने वाला है। रिटेल सेल का जो है आपका काम होगा। उसके बाद दोस्तों जो है अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, नीचे लिंक वैसे दिए गए हैं, आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद अप्लाई पे क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एजुकेशन में डिटेल में जाना है तो बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बीकॉम वाले कर सकते हैं, बीएससी करी हुई किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप आवेदन कर सकते हैं, बीए वाले कर सकते हैं, बीबीए वाले कर सकते हैं, बीएमएस वाले कर सकते हैं। अगर बीसीए भी करी हुई तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आपको आपका जितना भी जो है इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे आके आपको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे, यहाँ पे फ्रेशर्स आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसके बाद वेट कर सकते हैं उनके इनविटेशन की। अगर आता है तो जाके इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि पहले ये इंटरव्यूज की डेट बता रहे थे, वेन्यू बता रहे थे, लेकिन अभी नहीं बता रहे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।